हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हैंगिंग बास्केट लगाने से हमारे गार्डन की खूबसूरती काफ़ी बढ़ जाती है, और अगर हमारे गार्डन में अगर स्पेस की कमी है तो प्लांट को हम हैंग कर देंगे तो हमारा स्पेस भी बच जाएगा और देखने में प्लांट्स देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्लांट्स के हम हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, मनी प्लांट की एक काफ़ी कॉमन वेराइटी है, बहुत ही हार्डी प्लांट भी है, और ये आपको नर्सरी में 30 से 40 रुपए में आराम से मिल जाएगी। और ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगती है क्योंकि इसकी पत्तियाँ से लटकती रहती हैं तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, और बहुत ही इजीली ये प्लांट ग्रो भी हो जाता है, छोटी से छोटी कटिंग भी इसकी आसानी से लग जाती है। नेक्स्ट प्लांट है ये हमारा टर्टल वाइन, ये भी हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, इसकी पत्तियाँ काफ़ी चमकदार होती हैं और नीचे की तरफ लटकती हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। इसकी भी छोटी से छोटी कटिंग भी हम लगा सकते हैं, और कहीं पर अगर ये गमले किसी पॉट वगैरह में भी इसकी कटिंग गिर जाती है तो बहुत ही ईजिली इसमें प्लांट ग्रो हो जाता है, और ये आपको 30 से 40 रुपये में ये भी आपको प्लांट आराम से मिल जाएगा। और इसकी छोटी सी कटिंग भी आपको अगर कहीं मिलती है तो ला के लगा दीजिए, इसको बस मिट्टी के ऊपर रख दीजिए और ये आराम से ग्रो हो जाएगी। नेक्स्ट प्लांट है हमारा ये स्पाइडर प्लांट, ये प्लांट भी फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत लगता है और तेज़ी से डिवाइड होने वाला प्लांट है। इसकी में का रनर्स आते हैं जो कि जिनसे हम बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। छोटे सी ऐसी कटिंग, छोटा सा इसको तो बेबी प्लांट तोड़ के इसको पानी में डाल देंगे, उसके बाद इसमें उसको मिट्टी में लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से लग जाएगी, और 40 से 50 रुपये में ये भी आपको आराम से नर्सरी में मिल जाएगी। ये प्लांट भी बहुत हार्डी प्लांट होता है और ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। अगला पौधा है ये हमारा पर्पल हार्ट का, ये भी इसकी पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, बहुत ही हार्डी प्लांट है, शेड में भी और फुल सनलाइट में भी ये बहुत ही आसानी से चल जाती हैं, और बहुत ही 20 से 30 रुपये में ही ये प्लांट मिल भी जाता है, उसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। इसमें छोटे छोटे से फ्लावर्स आते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और इस प्लांट का कलर भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, शेड में रखने पर बहुत डार्क कलर का हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगला पौधा ये अजवाइन का, ये भी मेडिसिनल प्लांट है और बहुत ही कम रेट में आपको ये नर्सरी वगैरह में मिल जाएंगे, और इसकी छोटी सी कटिंग भी अगर आपको कहीं मिलती है तो आप इसको ला के लगा दीजिए और बहुत ही आसानी से ये लग जाती है। और ये भी देखिए हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगी, इसकी लीव्स नीचे तक लटकती हैं तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, और इस प्लांट की काफ़ी मेडिसिनल वैल्यू भी है और पेट की बीमारियों में इसको यूज़ करते हैं। ये भी काफ़ी लो मेंटेनेंस प्लांट है और बहुत ही कम खाद और पानी की ज़रूरत होती है इसको भी। अगला पौधा ये चेन प्लांट, इसके ऐसे बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, एक ही प्लांट में से बहुत सारे प्लांट्स बहुत ही जल्दी बन जाएंगे, और 20 से 30 रुपए में ये भी हमको आराम से मिल जाएगा ये प्लांट भी। और एक प्लांट से हम ढेरों प्लांट बना सकते हैं, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत ही कम पानी और खाद की ज़रूरत होती है इस प्लांट को भी, और समर्स में तो बहुत ही तेज़ी से डिवाइड होते हैं ये प्लांट, तो इसे भी अपने हैंगिंग बास्केट में ज़रूर ऐड करें। नेक्स्ट प्लांट है ये अजूबा का प्लांट, ये भी बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट है, इसकी पत्तियाँ बिल्कुल प्लास्टिक के जैसी दिखती हैं और इसमें बहुत ही कम खाद पानी की ज़रूरत होती है और बहुत ही सस्ते में ये मिल भी जाता है, और इसकी छोटी सिंगल पत्ती से भी इसके हम बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। इसकी पत्ती को अगर ज़मीन पर रख देंगे तो उससे भी बहुत सारे प्लांट बेबी प्लांट तैयार हो जाएंगे, अब 20 से 30 रुपये में ये भी आपको गवर्नमेंट नर्सरी में आराम से मिल जाएगी। नेक्स्ट प्लांट है ये अल्टरनेंथ्रा का प्लांट, ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इसको भी हैंगिंग बास्केट में देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, रंग बिरंगी पत्तियों वाला ये प्लांट भी आपको नर्सरी में 20 से 30 रुपये में आसानी से मिल जाएगा, और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, बट इसको थोड़ा सा धूप पर रखने पर इसकी पत्तियाँ ये कलर में रहेंगे और शेड में रखेंगे तो सिर्फ ग्रीन कलर की हो जाती हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये जेड प्लांट, इस प्लांट की भी हैंगिंग बास्केट बहुत ही खूबसूरत लगती है और छोटी छोटी पत्तियों वाला ये प्लांट हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसकी छोटी सी भी कटिंग कहीं से मिल जाए तो आप इसको लगा लीजिए और नर्सरी में भी 20 से 30 रुपए में आराम से मिल जाता है ये प्लांट, और इसमें बहुत ही कम पानी और खाद की ज़रूरत होती है तो इसे भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें।
और नेक्स्ट प्लांट है ये रियो प्लांट है, ये भी मैंने बस एक प्लांट लिया था। इससे मैंने बहुत सारे पॉट में इसको मैंने लगा लिया है। और रंग बिरंगी पत्तियों वाले प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत लगते देखने में, और 30 से 40 रुपए में ये भी आपको आराम से मिल जाएगा। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है ये भी, और रूट से ही बहुत तेज़ी से डिवाइड होता है ये प्लांट। नेक्स्ट प्लांट है ये हमारा वॉन्डरिंग जू, ये भी बहुत तेज़ी से ग्रो करता है ये प्लांट भी, बट यहाँ की नर्सरी में थोड़ा सा महंगा मिलता है। इसकी भी 2 या 3 वैरायटी आती है, ये बिल्कुल नॉर्मल वाली वैरायटी है। ये भी 60 या 70 रुपए में आपको आराम नर्सरी में मिल जाएगा, छोटा प्लांट, और बहुत ही तेज़ी से ग्रो होता है गर्मियों में, तो बहुत ही तेज़ी से ग्रो होता है, हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट प्लांट है ये हमारा कोलियस का, ये भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट लगता है, रंग बिरंगी पत्तियों वाला, कई सारे कलर्स वैरायटी में आती हैं इसकी भी ये प्लांट भी, उसको भी हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट प्लांट है ये हमारा एस्पैरेगस फर्न, इसकी भी पत्तियाँ जब नीचे लटकती हैं तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, और रूट से ही बहुत ही तेज़ी से डिवाइड होता है ये प्लांट भी। मैंने तो इसे सिर्फ 20 रुपए में लिया था, और देखिए मैंने उस टाइम में सिर्फ बहुत ही कम सा, लेकिन पूरा पॉट देखिए भर गया है, और देखने में भी बहुत खूबसूरत सा प्लांट लगता है ये। काफ़ी लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत ही कम पानी की भी ज़रूरत होती है इस प्लांट को। नेक्स्ट प्लांट है ये अल्टरनेंथ्रा, इसको आपने पार्क वगैरह में ज़रूर देखा होगा, हैच बनाते हैं इस प्लांट का, और ये हैंगिंग बास्केट में भी इसकी पत्तियाँ लटकती हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। पर्पल कलर का ये प्लांट भी आपको 20 से 30 रुपए में नर्सरी में मिल जाएगा। देखिए देखने में बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट है ये हमारा पॉर्चुला का और पर्सलिन का, इस प्लांट को समर का फ्लावरिंग किंग भी कह सकते हैं, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। ये भी देखिए इसमें भी अभी तो मैंने लगाई है इसको, कटिंग मैंने ग्रो करी थी तो अभी मैंने इसको लगाया, फ्लावरिंग तो अभी नहीं हो रही है इसमें, बट बहुत ही जल्दी इसमें फ्लावरिंग होगी और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होता है। फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर से मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।